अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मुझे कहते हैं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि अदालत में जब जज किसी मुजरिम को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का फ़ैसला देता है तो फैसला तहरीर करते हुए अपनी पेन की निब क्यों तोड़ देता है? जज ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल मुजरिम को सजाए मौत के बाद जज की जानिब से पेन की निब तोड़ने का रवाज बरसगीर में आज भी कायम है, जहां आज भी अदालत में सजाए मौत देने के बाद जज की जानिब से पेन की निब तोड़ दी जाती है। बरसगीर पाक व हिंद में बरतानवी राज से शुरू होने वाले जजों की इस रवायत की कई वजूहात पेश की जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आम ये रवायत है कि जज की जानिब से सजाए मौत की सज़ा के बाद पेन की निब इसलिए तोड़ दी जाती है कि वो पेन जो किसी की ज़िंदगी के खात्मे की वजह बने, अब वो पेन किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी मरूफ वजह यह है कि जज इसलिए पेन की निब क्यों तोड़ देता है, ताकि अगर वो किसी को मौत की सज़ा सुना दे और लिख दे तो फिर कोई इस सज़ा को तब्दील ना कर सके और ना ही वो अपने हुक्म की नज़रसानी या इस फैसले को फौरी तौर पर मनसूख कर सके, अगर वो चाहे भी तो भी ना कर सके। एक रवायत ये भी है कि जब जज ये सज़ा किसी मुजरिम को सुनाता है तो जज की जानिब से पेन की निब तोड़ना इस पर अफसोस का इजहार करना है। और आखिरी वजह यह भी बयान की जाती है कि जज पेन की निब इसलिए तोड़ देता है कि वो मुजरिम को सजाए मौत देने के फैसले पर नादम ना हो, इसलिए वो इस पेन की निब तोड़ कर इसे नाकाबिले इस्तेमाल बनाकर अपने से दूर कर देता है, ताकि ये फैसला इसे कुछ याद ना लाए। क्या आप इस बात को जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।